हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर ऑन द पोएम द वेस्टलैंड रिटन बाय टीएस एलियट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग द सेकंड चैप्टर, सेकंड पार्ट, व्हिच इज नेम्ड अ गेम ऑफ चेस। नाउ वी आर वेरी सून गोइंग टू सी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस गेम ऑफ चेस। एंड मैं अभी बताकर आपको आपका जो सस्पेंस है वो ख़राब नहीं करना चाह रहा। सो लेट्स स्टार्ट। द चेयर शी सैट इन लाइक अ बर्निश्ड स्टोन। नाउ कोई फीमेल है, कौन है हमें नहीं पता, हमेशा की तरह। द चेयर शी सैट इन, जिस चेयर पे वो बैठी हुई थी, लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन, एक शाइनिंग चमकता हुआ थ्रोन की तरह था वो, है ना। ग्लोड ऑन द मार्बल, और उसकी जो ग्लो है, चमक है, वो मार्बल, मार्बल माने मार्बल का फ्लोर, उस पर पड़ रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी। वेयर द ग्लास हेल्ड अप बाय स्टैंडर्ड्स रोट विद फ्रूटेड वाइन्स, है ना। जहाँ पर क्या था उस फ्लोर पे, उस मार्बल के फ्लोर पे क्या था, वेयर द ग्लास मिरर था, हेल्ड अप बाय स्टैंडर्ड्स रोट अप विद फ्रूटेड वाइन्स। स्टैंडर्ड रोट, रोट माने उकेरे हुए, मतलब जहाँ पे उकेरे हुए थे फ्रूटेड वाइन्स, फूलों वाली या फ्रूट वाली वाइंस, लताएं बनाई हुई थी उस आयरन पे, डिजाइन था मतलब। और फ्रॉम विच अ गोल्डन क्यूपिडोन पीप्ड आउट, और जिन डिजाइन में से एक गोल्डन कलर का क्यूपिड, क्यूपिड जो होता है वो एक तरह से मैसेंजर ऑफ लव होता है, अपने हाथ में एक तीर कमान लिए हुए रहते हैं वो, उनके सिर के ऊपर एक लाइट भी रहती है, अभी आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। उनमें से एक गोल्डन कलर का, येलोइश कलर का क्यूपिड जो है पीप्ड आउट झांक रहा था। अनदर हिड हिज आइज बिहाइंड हिज विंग, और दो क्यूपिडन थे वहाँ पे, और दूसरे की आँखें उसके पंखों के पीछे छिपी हुई थी। डबल द फ्लेम्स ऑफ सेवन ब्रांच्ड कैंडलब्रा, कैंडलब्रा जो मोमबत्तियाँ रखने का एक सांचा होता है या स्टैंड होता है, सेवन ब्रांच, सात ब्रांचेज वाला, है ना। और वो क्यूपिडोन जो है और उस मिरर की जो रोशनी है वो उस सात ब्रांचेस वाले कैंडल ब्रा की फ्लेम को डबल कर रही थी, मतलब और बढ़ा रही थी, मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो और ज़्यादा दिखाई दे रही थी। रिफ्लेक्टिंग लाइट अपॉन द टेबल, और वो लाइट जो है सारी की सारी मिलके टेबल पे पड़ रही थी। एज द ग्लिटर ऑफ हर ज्वेल्स रोज टू मीट हर, मीट इट, और उस ग्लिटर को या उस ग्लिटर के साथ उसकी जो ज्वेलरी थी लड़की की वो भी मिल गई, मतलब वो उठी और उसे मिल गई, मतलब वो सारी की सारी रोशनी एक साथ टेबल पे जमा हो गई। कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी चीज़ें बहुत ही ग्लिटरी थी, चमकदार थी, ऊपर से उसकी ज्वेलरी जो है वो भी उस चमक के साथ मिल गई, तो वो चमक कई गुना बढ़ गई। और वो ज्वेलरी कहाँ से निकली थी, फ्रॉम साटिन केसेस पावर्ड इन रिच प्रोफ्यूजन, साटिन कपड़ा होता है, केस बने हुए थे उन पे, कपड़ा लगा हुआ था उनके कवर पर, उनसे रिच प्रोफ्यूजन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकले हुए, मतलब ये है कि ज्वेलरी जो है वो बहुत ज़्यादा उसने पहन रखी थी जो कि उसने अपने साटिन के केसेस से निकाली थी। इन वायल्स ऑफ आइवरी एंड कलर्ड ग्लासेस अनस्टॉपर्ड, और उसके अलावा वायल्स क्या होते हैं, आप बोल सकते हो छोटा बर्तन या छोटी शीशी कांच की, ऑफ आइवरी यहाँ पे हाथी दांत की, एंड कलर्ड ग्लास और कलरफुल ग्लास की, अनस्टॉपर्ड खुले हुए, अनस्टॉपर्ड मैंने खुले हुए, लर्कड, ब्लर का मतलब वैसे झांकना होता है लेकिन यहाँ पर निकलना यानी कि खुशबू निकलना, हर स्ट्रेंज सिंथेटिक परफ्यूम, सिंथेटिक का मतलब यहाँ पर फेक परफ्यूम्स, परफ्यूम माने जो डिओड्रेंट या परफ्यूम होते हैं, सेंट होते हैं जो, और सिंथेटिक बोलने का मतलब ये है कि वो नेचुरल नहीं थे, वो फ्लावर से बने हुए नहीं थे, वो जो बाजार में मिलते हैं सिंथेटिक वैसे परफ्यूम्स थे। अनगुएंट, उनकी शेप बता रहा है वो, अनगुएंट ग्रीसी पाउडर्ड, पाउडर के रूप में, और लिक्विड या लिक्विड के रूप में, तीनों फॉर्म में थे वो। Troubled, confused and drowned the sense in odors, और ये सब चीज़ें, खासकर ये जो सेंट थे, ये किसी भी व्यक्ति को troubled, confused, परेशानी में, दुविधा में डालने वाले, and drowned the sense of in odors, और खुशबू का सेंस ही उन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, drown माने डुबाना नहीं है, ख़त्म कर दिया। Stirred by the air that freshened from the window, और उनको stirred माने, वैसे तो stirred माने हिलाना होता है लेकिन यहाँ पर फैलाना, उनको फैला रही थी कौन, दैट फ्रेशन जो आ रही थी फ्रॉम द विंडो, विंडो से, खिड़की से, खिड़की से आने वाली हवा जो है उनको और ज़्यादा फैला रही थी, और वो जो फेक परफ्यूम्स थे वो सारे के सारे ट्रबलिंग एंड कन्फ्यूजिंग थे, एंड ऑल ऑफ देम वर ट्रबलिंग एंड कन्फ्यूजिंग,
whether it be greasy, whether it be in powder form or in liquid form. Now, see what happened next. Where were we? Yes, that freshened from the window, these ascended in fattening the prolonged candle flames. और ये जो हवाएं हैं विंडो से आ रही थी असेंडेड ऊपर उठना इन फैटनिंग मतलब चौड़ा करने में यानी कि बढ़ाने में द प्रोलॉन्ग्ड कैंडल फ्लेम्स जो पहले से कैंडल के फ्लेम्स थे उनको और ज़्यादा वो हवा जो चलने से वो क्या हो रहे थे बढ़ रहे थे फैल रहे थे. अब ये पूरा का पूरा जो है ना ये एक सिस्टम जो है ये बता रहा है जो ये उसके कमरे की का डिस्क्रिप्शन बताना क्या क्या शो करता है. ये शो करता है कि कितना सब कुछ आर्टिफिशियल है ना आदमी की लाइफ में सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया उस समय में. Plunge their smoke into the lacquaria. Lacquaria जो ऊपर फॉल्स रूफ होती है ऊपर जो डेकोरेटिव रूफ होती है उसको बोलते हैं. Now ये जो मोमबत्तियाँ हैं इनका धुआं जो है हवा के कारण वो कहाँ जा रहा था. Plunge their smoke into the lacquaria ऊपर छत पे. Searing the pattern on the coffered ceiling. Coffered ceiling decorated ceiling. और मोमबत्तियों की जो धुआं था या उनकी जो रोशनी थी रोशनी तो नहीं धुआं बोलेंगे वो क्योंकि मोमबत्तियाँ हिल रही थी मतलब उनकी फ्लेम हिल रही थी तो एक पैटर्न सा बन रहा था छत के ऊपर है ना उनके हिलने से. और वो छत किसकी बनी हुई थी बता रहा है वो ह्यूज सी वुड फेड विद कॉपर और समुद्र की लकड़ी फेड विद कॉपर उसमें कॉपर लगा हुआ था. क्या लगा हुआ था कॉपर. बर्नड ग्रीन एंड ऑरेंज और वो ग्रीन और ऑरेंज ही फ्लेम्स दे रहा था या कलर दे रहा था. क्यों दे रहा था बिकॉज फ्रेम्ड बाय द कलर्ड स्टोन क्योंकि उसमें उस आर्टिफिशियल छत में उस डेकोरेटेड छत में कलरफुल स्टोन्स लगे हुए थे इसलिए उससे ग्रीन और ऑरेंज कलर की फ्लेम्स या लाइट आ रही थी. इन विच सैड लाइट अ कार्व्ड डॉल्फिन स्वैम और उसकी दुख भरी रोशनी में अ कार्व्ड डॉल्फिन स्वैम एक कार्व्ड नकाशी की हुई डॉल्फिन जानते हो मछली होती है स्वयं तैर रही थी. मछली तैर रही थी का मतलब वास्तव में नहीं तैर रही थी वो मतलब वहाँ पे